वेलकम टू एस एस टी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स. दिस इज एस एस टी एडुपीडिया एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर नम्रता सिंह. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द न्यू कंसेप्ट दैट इज अ वैल्यू सिस्टम. सो वॉट इज द एग्जैक्टली वैल्यू सिस्टम? इन डे टू डे लाइफ हम लोग वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, एथिक्स के बारे में बात करते हैं. तो ये वैल्यूज और एथिक्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? सो वैल्यू सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंसिस्टेंट एथिक्स वैल्यू एंड मेजर यूजर फॉर द पर्पस ऑफ एथिकल और आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी. वैल्यू सिस्टम कंप्राइजेस ऑल दोज बिलीफ्स एंड व्यू पॉइंट्स दैट द पेरेंट्स पास ऑन देयर नेक्स्ट जनरेशन. दे फर्दर पास इट on to an offspring and so the legacy goes on and on. See, हर एक फैमिली का अपना एक कल्चर होता है, अपनी एक वैल्यूज होती है. तो हर एक चिल्ड्रन उस कल्चर को अपने फैमिली से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है. वो लर्न करेगा सेम थिंग सेम कल्चर सो अपने चिल्ड्रंस को देगा और उसके चिल्ड्रन उसके चिल्ड्रन को देंगे. तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, बिलीफ्स होते हैं जिसपे हर एक पर्सन का अपना व्यू पॉइंट होता है और उसके ऊपर ही वो बिलीव करते हैं. वैल्यूज इन शॉर्ट व्हाट वैल्यूज आर द स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट अ पर्सन होल्ड अबाउट काइंड ऑफ बिहेवियर्स आर एक्सेप्टेबल बोथ पर्सनली एंड सोशली. इट मीन्स यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन खुद डिसाइड करेगा कि उसका बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए जिससे वो खुद खुद भी एक्सेप्ट करे और अलोंग विद दैट सोशल लेवल पे भी पीपल उसे एक्सेप्ट करे. उसे हम लोग एग्जैक्टली बोलते हैं वैल्यूज. सो द वैल्यूज दैट अ पर्सन होल्ड्स अफेक्ट्स हिज परसेप्शन ऑफ अ गिवन सिचुएशन एंड द डिसीजंस ही और शी मेक्स विथ रिगार्ड टू द सिचुएशन. यहाँ पे हर एक पर्सन एज पर द सिचुएशन जो भी डिसीजन लेता है वो उसका वैल्यूज होता है और वहां पे वो अपना परसेप्शन रखेगा कि मुझे उस टाइम पे ये चीज सही लगी इसलिए मैं ऐसा किया, मैं चाहता तो वैसा भी कर सकता था. सो दैट इज नोन एज द वैल्यू. नाउ वॉट इज द इंडियन वैल्यू सिस्टम? अ कॉमन वैल्यू सिस्टम इज वन ऑफ द बाइंडिंग इंग्रीडियंट्स दैट गिव इंडियन अ कॉमन आइडेंटिटी. अगर हम इंडियंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ सिस्टम्स वैल्यू सिस्टम्स कॉमन्स होते हैं जो एक दूसरे से बांधे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये हर एक किसी को एक कॉमन आइडेंटिटी देंगे. जिससे क्या होता है, वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैल्यू, कि इससे इंडिविजुअल की या सोसाइटी और सोशल लेवल में पर्सन की जो लाइफ होती है वो पीसफुल होगी. ठीक है, जो भी उसका स्ट्रेस है वो स्ट्रेस लिटिल बिट कम होगा, वो स्पिरिचुअल होगा, अपने धर्म में वो बिलीव करेगा. देन डिफरेंसेस टू एल्डर्स, रिसोर्सेस टू नेचर, नेचर में किस तरीके से बिलीव करना है या नेचर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है उसके लिए भी वो सोचेगा. सीकिंग द प्रॉस्पेरिटी एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, उसका रिलेशन उसके फैमिलीज के साथ क्या होगा, टाई होगा, स्ट्रांग रिलेशन होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रांग फैमिली टाइज द जॉयनेस एंड हॉस्पिटैलिटी इज बिकम्स द सक्सेसफुल. मीन्स अपने फैमिली के साथ वो एक अच्छी लाइफ को क्या कर सकता है, इंजॉय कर सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वैल्यू. जनरली वैल्यूज आर डिवाइडेड इंटू द टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज द टर्मिनल वैल्यूज एंड सेकेंड वन इज कम एज अ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज. नाउ वॉट इज द टर्मिनल वैल्यूज? टर्मिनल वैल्यू मीन्स वॉट? द डिजायरेबल एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस द गोल्स एंड इंडिविजुअल्स वुड लाइक टू अचीव ड्यूरिंग हीज और हर लाइफ टाइम. इट मीन्स उसका एक टारगेट होगा उसी टाइम पीरियड में, उसी टाइम स्पेन में वो क्या करना चाहेगा, अपने गोल्स को अचीव करना चाहेगा. उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द टर्मिनल वैल्यू. सो दिस वैल्यूज डिस्क्राइब्स what a person believes in his or her purpose in life and what are things the person would like to acquire during his life.
टर्मिनल वैल्यूज में बी रेफर्ड टू एस एंड वैल्यूज, मीन्स एक टाइम आने के बाद उसे लगेगा कि यस नाउ फाइनली आई एम सक्सेस इन दिस इवेंट और जो मुझे चाहिए था उसे मैं अचीव कर चुका हूं। उसके बाद वो वहां पे उस वैल्यू को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। सेकेंड वन इज कम इन दिस, दैट इज अ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। नाउ वॉट इज अ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, द वे ऑफ अचीविंग गोल्स। उसने टर्मिनल में डिसाइड किया कि कौन कितने टाइम पीरियड में उससे उस गोल को अचीव करना है, बट इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू में वो क्या करेगा कि वो वे डिसाइड करेगा कि किस वे में उस गोल को उसे अचीव करना है। द प्रेफरेबल मोड्स ऑफ बिहेवियर और मीन्स अचीविंग वंस इज अ टर्मिनल वैल्यूज। सो दीज वैल्यूज रेफर्स टू द वेज एंड मीन्स अ पर्सन इज विलिंग टू यूज इन ऑर्डर टू अचीव इन टर्मिनल वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज में बी रेफर टू एज मीन्स वैल्यू। दोनों में ये डिफरेंस होता है, मीन्स वैल्यू होगा वो एंड वैल्यू होगा। एंड टर्मिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज डिफर अक्रॉस ग्रुप एंड कल्चर। सो द वैल्यूज ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट अ जूनियर एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सीनियर पर्सन वहां पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से वर्क कर रहा है, उसे वहां का एक्सपीरियंस है, वहां का कल्चर पता है, वहां का नॉलेज है। सो बट ऑब्वियस उसके लिए वहां के वैल्यूज क्या होंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, आपके लिस्ट भी हो सकते हैं। सेम टाइम पे जो न्यू कमर है, न्यू एम्प्लॉयज है, माइट बी सीनियर पर्सन से ज्यादा वो वहां पे वैल्यूज दे रहा है, या फिर ऐसे हो सकता है कि वो वैल्यू नहीं कर रहा हो, या फिर उसे उसके लिए वो सारी चीजें क्या है, लिस्ट वैल्यूज है। सो like there are the many differences between the American and Asians with regard to the importance given to certain values. अगर हम लोग बात करते हैं so as per the country also, हर एक country की अपनी एक values होती है और according to that value वो हर एक चीजों को क्या करते हैं, importance देते हैं। Now what are the sources of value? कि वैल्यूज को लर्न करने के लिए, गेन करने के लिए कौन से सोर्सेस होते हैं जहां से एक इंडिविजुअल उसे गेन करता है। इन दिस सेस वैल्यूज आर बिलीव्ड टू बी हेरिडेटरी, यह हेरिडेटरी होता है बाय जनरेशन टू जनरेशन एंड जेनेटिकली डिटरमाइंड, बट सम ऑफ देम आर ड्राइवन बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर एज फॉलोज। इन द फर्स्ट वन इज कम फैमिली। Family is the prime and most important source of obtaining values. क्योंकि एक children, एक छोटा बच्चा, एक kid सबसे पहले सारी चीजें अपनी family से learn करता है. So every child learns values from his family since his childhood and retains those values in his mind throughout his life. और सेम वैल्यूज वो अपने चिल्ड्रन में इनकलकेट करने की कोशिश करेगा या फिर उसे इनकलकेट करेगा। सेकेंड वन इज कम इन दिस, दैट इज अ सोसाइटी। आफ्टर फैमिली सोसाइटी ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपिंग वैल्यू सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। एवरी चाइल्ड लर्न बेसिक मैनर्स एटिक्वेट्स एंड डिसिप्लिन फ्रॉम द स्कूल्स। Besides schools and colleges, other groups of the society such as a religious group, friend group, economic group and political groups to which an individual belongs also affect value system of an individual. Then next one is come in this personal factor. Personal factor also plays an important role for improving the values in the individual's life. So what is the personal factors? Personal characteristics like intelligence, ability, appearance and education level of a person determines his value system very strongly. For example, an intelligent and educated person will understand and learn the social and work related values relatively faster than the uneducated person. But obvious, uneducated persons ke liye uske things zyada important rakhenge, might be many of time more than the work. Many of time work se zyada wo social things ko important dega. To is tarike se there is a differences between the educated and uneducated persons value system.
The next one is come in this, that is a culture. Now, cultural factors which influence value system of an individual include norms, beliefs and other behavior patterns which are preferred and acceptable by the society. These values are often carried in rituals, customs or narratives that are often repeated and highly resistant to change because they are seen as absolute. वो अपने कल्चर से बहुत सारी चीजों को लर्न करेगा, अडॉप्ट करेगा, उसमें बिलीव करेगा और उसी तरीके से उसे इनकल्केट करने की कोशिश करेगा. Next one is coming this, that is a religion. Religion is also plays a important role for obtaining the value system because religion is comprised of set of values and traditions which guide routine behavior and decision making of an individual. एक person किस तरीके से decision लेता है, कुछ लोग बहुत ही सोचे समझे क्या करते हैं, decisions ले लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि काश मैं थोड़ा सोच के आता. Few people are like they are trying to judge the situations को judge करेंगे, उसका analysis करेंगे, after that वो क्या करते हैं उस पर अपना decisions लेते हैं. Then religious values helps people determine what is a good or what is a bad. It means क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, what is a right what is a wrong, and according to that he is able to take the decision in his day-to-day life. So like these values is very important and plays a important role in the day-to-day life of the people. Same like this, in this come the one concept, that is a cross-cultural values. Now what is exactly cross-cultural values? Many organizations encounter their greatest cross-cultural challenges when they send employees to work abroad. But obvious, यहाँ का system, वहाँ के system में differences होगा, यहाँ के rules and regulations, वहाँ के rules and regulations में क्या होंगे, बहुत सारे differences होंगे. So serious and expensive problems occur when employees working in a foreign country return from their assignments early because of poor performance or due to their inability to make adjustment to the new culture, that is known as a cross cultural values. So manager working on a foreign assignments have to deal with the bosses, peers and subordinates who have been raised in completely differently cultures. They have the different values, communication styles, are motivated by different things, and so geographic, cultural and religious differences and change their management style accordingly. So like these values are divided into the three different parts, that is the we are learned terminal values, cross cultural values and interpersonal values. Thank you.